हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग वर्ल्ड बाय ऋतु। सो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साड़ियों की पैकिंग। और ये जो ऑर्डर था ये मेरे पास बहुत ही जल्दी में आया था, तो मैं इसके लिए जो आजकल वुडन ट्रे है वो मैं नहीं अफोर्ड कर पाई थी जल्दी जल्दी में, तो मैंने सबसे पहले जो साड़ियों के जो डिब्बे आते हैं उसे ही यूज़ किया। तो ये बहुत लूज़ होता है, तो मैंने इसके अंदर ये कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े थे ये मैंने लगाया ताकि ये थोड़ा सा टाइट रहे और बहुत ज़्यादा लूज ना रहे। और उसके बाद से मैंने उसके ऊपर से जो एक कवर होता है मैंने उसे लगाया और अंदर से वो जो था वो लगाया कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और उसके बाद से जो उसका ढक्कन था उसे लगा के मैंने मार्किंग टेप से इसे अच्छे से सिक्योर कर दिया और थोड़ा सा फिनिशिंग लुक भी इससे आ जाएगा। और सारा जो डिब्बा है, ढक्कन है और जो अंदर वाला जो उसका एक पार्ट होता है वो सारी चीज़ें भी एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रिलेट कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। तो यहाँ आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने चारों तरफ ये मास्किंग टेप लगा दिया है और ये जो डिब्बा है ये बहुत अच्छे से एक ट्रे का लुक ले लिया है। साड़ियाँ जो थी वो एक साड़ी जो बैग आता है उसके अंदर थी, बट मुझे ऊपर से डेकोरेट करना था तो मैं सारे बैग्स को अंदर ही अच्छे से बिछा दिया ताकि कभी जो जब भी उन लोगों को भी ज़रूरत पड़े ये बॉक्स हटाने के बाद तो वो ईज़िली उस बैग में अपनी साड़ियों को सिक्योरली रख सकें। उसके बाद से मैंने साड़ियों को बॉक्स के अकॉर्डिंग अच्छे से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मैंने उसको बॉक्स में अच्छे से एडजस्ट कर दिया। साड़ियों को बॉक्स में एडजस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर से वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सेलोफेन पेपर लगाया जिससे साड़ियाँ सेफ भी रहें और इसका लुक भी काफ़ी निखर के आए। तो हमारी साड़ी अच्छे से सेलोफेन पेपर से रैप हो चुकी है। अब हम इसके बाद से ये जो पैटर्न शीट्स आते हैं इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। पैटर्न शीट इसलिए भी मैंने लगाया है ताकि जो बॉक्स है वो भी कवर हो जाए और अच्छे से एक मतलब ट्रे का लुक भी आ जाए, और ये लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था।
ये देखिए ये चारों तरफ से कितना अच्छे से पैक हो गया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद से हम नेटवर्क करेंगे। तो मैंने पहले नेट को रख के देखा कि कौन सा कलर इस पर अच्छा जा रहा है, तो मुझे ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ब्लू कलर को ही यहाँ पे लगाया। नेट लगाने से पहले मैंने चारों तरफ से ये जो पैटर्न सेलो टेप्स आते हैं इसे लगाया ताकि इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाए। यहाँ पे हमारा जो नेट था वो अच्छे से लग गया है और ग्लू गन की हेल्प से मुझे इसके ऊपर से जो भी हमारे डेकोरेशन आइटम्स थे उसे मुझे लगाना था, लेकिन हमारा स्विच बोर्ड जहाँ पे मैं इसे शूट कर रही थी वहाँ से काफ़ी दूर था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रख के दिखाया है। और उसके बाद से मैं अपने स्विच बोर्ड के पास जाके इसे अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। और मेरे पास आर्टिफिशियल लीफ नहीं थी तो मैंने ग्लिटर शीट की हेल्प से एक आर्टिफिशियल लीफ बनाई और उसे ही कट करके लगाया और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये मैंने कुछ लीव्स के पैटर्न्स ड्रॉ कर लिए हैं और इसे कट भी कर लिया है। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल लुक। आप बताइए कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। और इसी तरह से बाकी की ये जो साड़ियाँ हैं इसे भी हम पैक कर लेंगे, लेकिन पैटर्न शीट्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये देखिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैटर्न शीट्स।